गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अंशक सेना लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से। बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी संकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखिए बच्चों, जिस समय सुल्तान ने संकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। संकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने संकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष में चांदी के सिक्के दिए गए। संकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों पर यदि कोई राज्य चिन्ह अंकित होता और सरकारी टक्सल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा असर पड़ा। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गया। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में नए राज्यों विजयनगर राज्य तथा बमनी राज्य का उदय हुआ। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए बच्चों, अब कल मैं आपको बताऊंगी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। थैंक यू बच्चों।